भदोही की आवाज आपके साथ। भदोही के सोनहर छुपाना में अध्यक्ष प्रदेश सचिव डीएम सिंह गहरवार ने की पदयात्रा, खुली स्वच्छ भारत अभियान की पोल। शौचालय की दशा बताते हैं रो पड़े बुढ़ू बाबू, डीएम सिंह ने दिया भरोसा, अब भ्रष्टाचारियों की रोने की बारी। अच्छा, ये नजदीक है में शौचालय तो आपको बना बच्चे गोपीगंज कोतवाली के धानीपुर गांव में युवक पर जानलेवा हमला, भाई समेत भाजपा नेता विनय बहादुर मिश्र, शिक्षक रितेश तिवारी समेत 8 पर मुकदमा। जंगीगंज पुलिस चौकी प्रभारी को मिली विवेचना। यशो साहब के सामने हमारे भाई ने बयान भी दिया है। उसके पहले 15 दिन पहले एसपी साहब की यहाँ उसी नाम से हमने एप्लीकेशन भी दिया था कि इससे हमारी जान को खतरा है हमारे भाई ने, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पे हम लोग बैठे रहे तब तक ये हमला हो गया। सीएचसी के प्रसव कक्ष की वीडियो बनाने वाले दबंग युवकों की पुलिस से शिकायत। प्रसव कक्ष का वीडियो बनाना है प्रतिबंधित, सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आरबी पाठक ने दी तहरीर। आज जो है सुबह उसके अंदर घुस के जो है महिलाएं जहां डिलीवरी करा रही हैं, जहां औरतें डिलीवरी के भर्ती हो रही हैं, जो कि बिल्कुल प्रतिबंधित और क्षेत्र है, उस क्षेत्र उसके अंदर घुस के जो है वीडियोग्राफी कर रहे हैं। हमने प्रशासन से संज्ञान लेने की बात की है और थाना अध्यक्ष महोदय को मैंने अपना एक एप्लीकेशन दे दिया। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के कोलापुर गांव में विधवा महिला भाजपा कार्यकर्ती शीला के परिजनों को एसडीएम के धमकी, पीएससी से मरवाएंगे लाठी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एडीएम ने विधवा महिला की मदद का दिया निर्देश, एसडीएम ने एडीएम का आदेश पलटा, डीएम तक पहुंचा मामला। डीएम साहब के बुलाए रहे हैं, डीएम साहब कहें गिराए देंगे, इनके जबकि प्रधान के दूर रास्ता बाहर, लेकिन फिर भी यहां का गिराव दे। प्रशिक्षण वर्ग कार्यशाला की वर्चुअल सभा में भाजपा जिला अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव का दावा, कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन से जीतेंगे हर जंग। भाजपा प्रदेश मंत्री अमरपाल सभा के रहे मुख्य अतिथि। विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, जिला महासचिव रमेश पांडे, जिला मीडिया प्रभारी गोवर्धन राय समेत तमाम नेता।